हाय फ्रेंड्स, सहारा किचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी सेव बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सेव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गर्म करेंगे और कढ़ाई गर्म होने के बाद 2 से 3 चम्मच इसमें रिफाइंड डाल दें। रिफाइंड को गर्म हो जाने दें, तब इसमें सेवई को डाल दें। तो ये मार्केट वाला सेवई है तो हल्की सी भुना हुआ रहता है, तो इसको वो एक बार और भून लेंगे ना तो ये सेवई खिला खिला बनेगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए सेवई भुना चुका है एकदम गोल्डन कलर। अब इसको निकाल देंगे और बाकी का जो है उसे भी इसी तरह भून लें। उसके बाद हम गैस पे पतीला रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। उसके बाद हम 1 गिलास और इसमें पानी डाल देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दूध है तो पानी मत डालिएगा। उसके बाद इसे अच्छे से गर्म होने दें। तो जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ नारियल और 4 से 5 इलायची, इसको हमने कूट लिया है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। 400 ग्राम हमने चीनी लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चीनी डाल दीजिए। उसके बाद इसे चला के मिला दें ताकि चीनी अच्छे से गल जाए, और इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लें दूध को। तो दूध जैसे पक जाता है ना वो खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 10 से 12 मिनट हो चुका है, गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसमें ये सेवई को डाल दें। जब भी ऐसा सेवई बनाए तो गैस को बंद कर दें, उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तब इसमें सेवई को डाल दें। तो ये देखिए आपके आंखों के सामने ये कितना अच्छा ये सेवई बन के तैयार हो गया है, एकदम खिला खिला ये देखिए। तो इस तरह से सेवई बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। इसमें बस हमने डाला नारियल और इलायची। आप इसमें डालेंगे काजू किशमिश बादाम तो देखने में और भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये सेवई बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको एक लाइक करने से क्या जाता है तो आपसे मैं बता दूँ, आप एक लाइक करते हो तो हम लोग को दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआ निकलता है आप जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।